everyone, welcome to IGB. I'm Prachi Sanotra, going to make a Navratra special Sabudana Khichdi. चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. यहाँ पे मेरे पास सोक्ड साबुदाना है. इसको मैंने अराउंड 3 to 4 आवर डिप करके रखा था पानी में और अब ये अच्छे से हो चुका है. यहाँ पे मेरे पास एक बॉइल्ड पटाटो है. ये बड़ा सा टमाटो मैंने कट कर लिया है क्योंकि इसके अंदर टमाटो अच्छे से डले. और इवन नवरात्रा में आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे आलू की सब्जी, चाहे साबुदाना की खिचड़ी, चाहे कुछ भी, तो उसमें टमाटर अच्छे से डालिए दिल खोल के. यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, यहाँ पे मेरे पास क्यूमन सीड है, जीरा, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर. यहाँ पे मेरे पास पीनट्स हैं, इसको भी मुझे रोस्ट करने हैं. और 2 ग्रीन चिलीज, सम जिंजर जूस एंड कॉरिएंडर लीव्स एंड आई विल यूज हाफ लेमन ऑल्सो. सो स्टार्ट करते हैं पीनट से. इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ ऑयल में. ये हमारा ऑयल इसमें गया हुआ है अराउंड 3 टेबल स्पून. मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ पीनट्स और इसको कर लेते हैं रोस्ट अराउंड 1 मिनट. इसको हम करते हैं जब तक ये थोड़े से ब्राउनिश ना हो जाए. काजू, बादाम वो भी फ्राई करके डाल सकते हैं. आपको अच्छा सा ड्राई फ्रूट खाने का आदत है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं अच्छे से. उसको भी फ्राई करके निकाल लीजिए और फिर हम इसको जब हम मसाला रेडी करेंगे तब हम उसमें डाल सकते हैं. ये हमारे पीनट्स हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में. हमारे पीनट्स रेडी हैं. अब हम सेम पैन में क्यूमन सीड डालेंगे, जीरा और जो हमारे पटाटोस थे वो भी डाल देते हैं इसके साथ. पटाटोस हमारे ऑलरेडी फ्राई हैं तो इसको हमें ऐसा नहीं है कि पकाना है बहुत देर तक. जस्ट ऐसा आप जीरा के साथ इसको क्यूमन सीड के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए. जिंजर जूस डाल रही हूँ साथ में. और जिंजर जूस और हमारे पटाटोज और हमारा जीरा एक साथ ही हो जाएगा. मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से. ये हमारा जिंजर और पटाटो रेडी हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे हमारी टमाटो चॉप. तो कर लेते हैं मिक्स. मिक्स करने के साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर. अच्छे से मिक्स करिए और इसको अराउंड 2 to 3 मिनट्स तक हम इसको रखते हैं जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए. टमाटो हमारे रेडी हैं. अब हम इसमें ग्रीन चिली भी डाल देते हैं एंड सॉल्ट टू टेस्ट. अब हम इसमें डालेंगे हमारा साबुदाना सोप. अच्छे से करेंगे मिक्स इसको. यम्मी सा लग रहा है. अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी बना नहीं है. पीनट्स रोस्टेड ऐड करने के बाद फ्लेम करेंगे स्लो और इसको अराउंड 5 to 7 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे और ये फिर अच्छे से हो जाएगा. ये हमने इसको करा कवर. हमारा साबुदाना हो रहा है. इधर मैं आपको बता देती हूँ कि लेमन को सॉफ्ट कैसे करते हैं. बेसिकली कुछ लेमन ऐसे होते हैं कि हार्ड होते हैं और उसमें से जूस कम निकलता है,
तो आप क्या कीजिए, लेमन लेके इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस कर लीजिए काटने से पहले। अगर काटने से पहले आप इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये इसमें से जो जूस है वो अच्छे से निकलेगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया ये, पहले थोड़ा हार्ड था। अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसका जूस ऐसे ही निकल रहा है, सी बहुत ज़्यादा जूसी हो चुका है। अब हम अपने साबूदाना को प्लेट में डालते हैं, वो भी ऑलमोस्ट हो गया है। हमारा साबूदाना बिल्कुल रेडी है। इस पर मैं गार्निश करती हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, वाओ, और हाफ लेमन। आपको ज्यादा खट्टा पसंद है आप ज्यादा डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे हाफ लेमन डाल रही हूँ। सो हमारा ये नवरात्रा स्पेशल डिलीशियस सी यम्मी सी डिश बिल्कुल रेडी है। होप आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज अपने घर पे ट्राई कीजिए, और सारे जो फास्ट रखा हुआ है उनको प्लीज खिलाइए। थैंक यू सो मच। विल मीट यू नेक्स्ट वीक। जय माता दी।